नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। पर्यावरण हमारे चारों ओर का प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण है, जिसमें जीव जंतु, वन, जल, वायु, मिट्टी और मनुष्य शामिल है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मानव जीवन और अन्य प्राणियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधनों का स्रोत है। पर्यावरण को बचाना भी बेहद आवश्यक है और इसी के लिए मुंबई निवासी करण ने पदयात्रा शुरू की है। इस पदयात्रा के बारे में जानकारी देते हुए करण ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप भी। जी नमस्कार, मेरा नाम करण है, मैं मुंबई का निवासी हूँ और ये मैं आज यात्रा शुरू कर रहा हूँ अपना। मैंने 2 तारीख से यात्रा का आरंभ किया है ताकि आज जो पर्यावरण में पॉल्यूशन वगैरह जो हो रहा है उस पर कुछ रोकथाम हो सके, ताकि हमारा आने वाला जो भविष्य है उसके लिए हम अपना अभी से कुछ कर पाएँ। अगर उसके लिए हम करेंगे तभी हमारा आने वाला भविष्य बचेगा, बच्चे बच पाएंगे। अन्यथा ये गर्मी जो इतना बढ़ रहा है, जो सी लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से हर तरफ बाढ़ आ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे इस समय बाढ़ आया, नेपाल में आया, उससे पहले बिहार में आया, उससे पहले त्रिपुरा में आया, उससे पहले वायनाड में आया, उससे पहले पोरबंदर में आया। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ ताकि लोग थोड़ा इस पर गौर कर सकें, थोड़ा कुछ कर सकें जो हो पाए उनसे। ठीक है, करना तो हमारी सरकार को भी चाहिए, लेकिन मैं लोगों के बीच में जाके ये सब करना चाहता हूँ ताकि लोग इस बात को समझें और अपनी पृथ्वी को बचा पाएं। ये यात्रा आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये भी कि सरकार का आपने जिक्र किया, तो सरकार से आप क्या कुछ मांग करते हैं? जो ये आप इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि सेव क्लाइमेट, सेव अर्थ, अवॉइड क्रैकर्स। देखिए, ये जो मैंने यात्रा शुरू किया है 2 तारीख से शुरू किया है साबरमती आश्रम से, और इसमें सरकार का ये है कि सरकार चाहे तो बैन ना लगा के इसको बिल्कुल पनपने से ही रोक सकती है। यानी कि प्रोडक्शन ही रोक सकती है, ताकि प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो फिर ये सब आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये कुछ लोगों ने जो शुरुआत की है हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करने की, चाहे अपने स्वार्थ के लिए कभी किया गया होगा, लेकिन अगर हम इसको रोकेंगे तभी ये चीज़ रुक पाएंगी। अन्यथा फिर जैसा भी ये सब चल रहा है चलता रहेगा और ऐसे नुकसान होता रहेगा, बाढ़ आता रहेगा, लोग परेशान होते रहेंगे गर्मी में। इतना गर्मी आपको पता ही है कि अभी दिल्ली का 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, तो वो बहुत ख़तरनाक है। तो ऐसे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है दिन पे दिन, तो ये बड़ा ख़तरनाक है, ये बहुत ख़तरनाक है। 53 डिग्री सेल्सियस जो हो रहा है, और मुझे डर है कि ये अभी बढ़ता रहेगा समय समय पे जितना भी है, क्योंकि ये एक बार जब ये लूप शुरू हो जाएंगे, लूप ये रुकेंगे नहीं। गर्मी और बढ़ेगी, पानी और पिघलेगा, गर्मी और बढ़ेगी, ये लूप जब शुरू हो जाएंगे साइकिल की तरह, ये रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। इस मुहिम को लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर ओम सिंह शेखावत से हमारी संवाददाता हर्षदा जोशी ने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। और इस मुहिम को और अच्छे से समझने के लिए और जिस तरह से सेव क्लाइमेट और अवॉइड क्रैकर्स की जो बात यहाँ पर इन्होंने कही है उसको और अधिक समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ओम सिंह जी, जो एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार ये मुहिम कितनी कारगर साबित होगी और वो क्या कुछ सोचते हैं। मैं डॉक्टर ओम सिंह चिराना, जो अभी करण के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, ये मुहिम एक जागरूकता बहुत बड़ा अभियान है, क्योंकि पेड़ इंसान का सबसे बड़ा मित्र होता है। और आपको पता है कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो जंगल है अमेजन का जंगल, जो पूरी 20% ऑक्सीजन पूरे संसार के लोगों को देता है। यदि हमारे पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं जो हमें जीवन का आधार सूत्र देते हैं, जो जंगल हमारे घर हैं, जिस जंगल के लिए इंसान जीवित रहता है, और यही धीरे धीरे यदि समाप्त होते गए तो मानवता अपने आप के अंदर एक अंत की तरफ जाएगी। अभी आपने देखा है जो यात्रा अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ है, ये एक यात्रा नहीं है, ये एक जागरूकता का सबसे बड़ा अभियान है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब गुजरात के अंदर नर्मदा मूवमेंट चला था, उस वक्त एक मेगा पार्टकर थी और एक ऐसी साहसी महिला जिसने वहाँ की मानवता के लिए अपनी टिस सोशल साइंस, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से एमफिल की डिग्री छोड़ करके सीधी आंदोलन में कूद पड़ी थी। वही चीज़ मेरे को आज इस युवक के अंदर दिखाई दे रही है। और जब तक नर्मदा से संबंधित जो आंदोलन चला था उसके लिए उनको धरना भी देना पड़ा था दिल्ली के अंदर, और सरकार को झुकना भी पड़ा था, क्योंकि पर्यावरण हमारा घर होता है।